हर सुबह जागने की कल्पना करें, अपना दिन शुरू करने के लिए उत्साहित हों। आप पैसे के बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास आराम से जीने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। आप काम को लेकर तनावग्रस्त नहीं है, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद है और जिसके बारे में आप भावुक हैं। जब आप एक रिच माइंडसेट विकसित करते हैं तो आप इसी प्रकार का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। एक रिच माइंडसेट विश्वासों और दृष्टिकोणों का एक समूह है जो वित्तीय सफलता के लिए अनुकूल है। ये खुद पर विश्वास करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी क्षमता और अपने प्रियजनों के लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए पैसे की ताकत पर विश्वास करने के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपके साथ अमीर और पुअर माइंडसेट के बीच मुख्य अंतर साझा करने जा रहा हूं और आपको अपनी खुद की रिच माइंडसेट कैसे विकसित करें इसके बारे में कुछ सुझाव दूंगा। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगामी वीडियो की अधिसूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। आइए विषय पर वापस आते हैं। रिच माइंडसेट क्या है? एक रिच माइंडसेट की विशेषता निम्नलिखित विश्वास और दृष्टिकोण है। वेल्थ, अमीर लोगों का मानना है कि हर किसी के लिए पर्याप्त धन है। वे पैसे को एक सीमित संसाधन के रूप में नहीं देखते हैं। अपॉर्चुनिटी, अमीर लोग हर जगह अवसर देखते हैं। वे हमेशा पैसा कमाने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के नए तरीके खोजते रहते हैं। ग्रोथ, अमीर लोग हमेशा सीखते और बढ़ते रहते हैं। वे लगातार खुद को और अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। रिस्क, अमीर लोग जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि महान चीजें हासिल करने का एकमात्र तरीका अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना है। फ्लेक्सिबिलिटी, अमीर लोग लचीले होते हैं। वे असफलताओं को हतोत्साहित नहीं होने देते, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। पुअर माइंडसेट क्या है? एक पुअर माइंडसेट की पहचान निम्नलिखित मान्यताओं और दृष्टिकोणों से होती है। इनसफिशिएंट, गरीब लोगों का मानना है कि हर किसी के लिए पर्याप्त धन नहीं है। वे पैसे को एक सीमित संसाधन के रूप में देखते हैं। डिफिकल्टीज, गरीब लोग अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे उन अवसरों को नहीं देख पाते जो उनके लिए उपलब्ध हैं। इनएक्टिविटी, गरीब लोग यथास्थिति से संतुष्ट हैं। वे सीखने और बढ़ने का प्रयास नहीं करते। फियर, गरीब लोग जोखिम लेने से डरते हैं। वे असफलता और जो कुछ उनके पास है उसे खोने से चिंतित हैं। विक्टिमहुड, गरीब लोगों का मानना है कि वे अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनमें अपनी स्थिति को बदलने की शक्ति है। रिच माइंडसेट कैसे विकसित करें? यदि आप वित्तीय सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक रिच माइंडसेट विकसित करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सलाह है। पैसे के बारे में अपनी धारणाएं बदलें। एक रिच माइंडसेट विकसित करने के लिए पहला कदम पैसे के बारे में अपनी धारणाओं को बदलना है। ये विश्वास करके शुरुआत करें कि आप धन के योग्य हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अवसरों पर ध्यान दें। अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए उपलब्ध हैं। पैसा कमाने के हमेशा तरीके होते हैं, भले ही आपके पास शुरुआत के लिए बहुत सारा पैसा न हो। आजीवन सीखने वाले बने। दुनिया लगातार बदल रही है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आजीवन सीखने के प्रति प्रतिबद्धता बनाएं और हमेशा खुद को और अपने कौशल को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश में रहें। जोखिम लें। यदि आप महान चीजें हासिल करना चाहते हैं तो आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और नई चीजें आजमाने से न डरें। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी रहें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भारी होना महत्वपूर्ण है, भले ही वह बहुत अधिक न हो। जब आप आभारी होते हैं तो आपके जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करने की अधिक संभावना होती है। रिच एंड पुअर माइंडसेट से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय को सीखें। फाइनेंशियल एजुकेशन, रिच माइंडसेट वाले लोग वित्तीय रूप से शिक्षित होते हैं और समझते हैं कि अपने पैसे को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए। इन्वेस्टमेंट, रिच माइंडसेट वाले लोग समय के साथ अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए अपना पैसा बुद्धिमानी से निवेश करते हैं। बिजनेस, कई अमीर लोग उद्यमी हैं जिन्होंने अपना खुद का व्यवसाय बनाया है। गिविंग बैक, रिच माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपने समुदायों को वापस देते हैं और दूसरों को अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। आप ये काम जरूर करें रिच माइंडसेट विकसित करने के लिए। यदि आप एक रिच माइंडसेट विकसित करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में किताबें और लेख पढ़ना शुरू करें। पॉडकास्ट सुनें और सफल लोगों के वीडियो देखें। एक सलाहकार या कोच ढूंढें जो आपके वित्तीय ज्ञान और कौशल को विकसित करने में आपकी सहायता कर सके। अपना पैसा समझदारी से निवेश करना शुरू करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई करें। चलिए निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। वित्तीय सफलता के लिए रिच माइंडसेट विकसित करना आवश्यक है। एक रिच माइंडसेट विकसित करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और वह जीवन जीने की संभावना बढ़ा सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपने माइंडसेट के बारे में जान लिया होगा। कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।